नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2021। ये हम सरकारी रिजल्ट साइट से खोले हैं। न्यू रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में देखिए हम लोग जानते हैं। आते हैं हम लोग नीचे तरफ और यहाँ नोटिफिकेशन जो दिया हुआ उसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन अब डाउनलोड हो गया, अब हम लोग देखते हैं इसका। ये वाला एग्जाम, ये वाला फॉर्म है, ये वाला ऑनलाइन मोड का फॉर्म है, यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। लास्ट डेट इसका है 24/10/2021 को लास्ट डेट है, 24/10/2021 को लास्ट डेट है, इसी महीना को लास्ट डेट है। आपका वैकेंसी देखिए, आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी का वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी 4 पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री हुआ विद 60% रहना चाहिए। और आपका यहाँ पर दिया हुआ एज लिमिट यूआर के लिए 30 और ओबीसी के लिए 30 और एससी एसटी इस सब के लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। असिस्टेंट अब साइंटिफिक असिस्टेंट भी केमिस्ट्री वाला में देखते हैं। इसमें आपका बीएससी होना चाहिए केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स, उसके साथ 60% होना चाहिए। इसमें आपका एज लिमिट देख लीजिए, यूआर के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 33 है, एसटी के लिए 35 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है और एससी के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट भी जियोलॉजी का है वाला, जियोलॉजी का देखते हैं। इसमें बीएससी जियोलॉजी में होना चाहिए, उसके साथ 60% होना चाहिए। टोटल पोस्ट 14 है और एज लिमिट इसका ओबीसी के लिए 33, यूआर के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 35। इसका पे स्केल 35,400 है। अब हम लोग देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके साथ 60% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पर आपका एज होना चाहिए यूआर के लिए 30, ओबीसी के लिए 33 और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट भी कंप्यूटर साइंस का देखते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, उसके साथ 30% मार्क्स आपका होना चाहिए। डिप्लोमा रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद एज लिमिट देख सकते हैं, यूआर के लिए 30, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और ओबीसी के लिए 33 और एसटी एससी के लिए 35। साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ए वाला डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, यूआर के लिए 30 एज लिमिट है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल के लिए देखते हैं। सिविल टोटल पोस्ट 1 है, उसका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, 60% मार्क होना चाहिए और यूआर के लिए 30 एज लिमिट रखा गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ जो लिखा हुआ है 3 ईयर आफ्टर एसएससी और 2 ईयर आफ्टर एचएससी, आप इस सब भी किए हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। अब उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ टेक्निकल भी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इसका देखिए टोटल पोस्ट 4 है, मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए एसएससी में। सर्टिफिकेट आपका आईटीआई एनसीबीटी जो भी हो, और उसके बाद यूआर के लिए 25 और ओबीसी के लिए 28। टेक्नीशियन भी लेबोरेटरी के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए एसएससी में, आईटीआई हुआ एनसीबीटी सब में जो भी होना चाहिए और उसके बाद एज लिमिट है। टेक्नीशियन भी प्लम्बर के लिए आपका 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी के लिए 28 साल होना चाहिए एज। टेक्नीशियन भी बिल्डिंग के लिए मिनिमम 60% एसएससी में होना चाहिए। टेक्नीशियन भी प्रिंटिंग में मिनिमम 60% होना चाहिए एसएससी में, और आपका यदि ट्रेड में आईटीआई एनसीबीटी है तो भी चलेगा, लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन। टेक्नीशियन भी ड्रिलिंग, इसके लिए 60% मार्क्स होना चाहिए आईटीआई एनसीबीटी, एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है। अब ऊपर डिवीजन क्लर्क,
में देख लीजिए आप, यहाँ पर 8 डिग्री रिकॉग्नाइज्ड, आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपका 30 WPM होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद आपका एज लिमिट दिया हुआ है URL 27, EWS 27, OBC 30, SC ST का 32। यहाँ पर देखिए ड्राइवर का है, ड्राइवर का यहाँ पर दिया हुआ है 10 क्लास पास होना चाहिए, टोटल 13 वैकेंसी है। यहाँ पर लाइट और हेवी दोनों लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको गाड़ी बनाने का भी आइडिया होना चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम एज आपका UR 27, EWS 27, OBC 30 और ST का 32, SC के लिए एज रिलैक्सेशन रहेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का 18,000 पे स्केल रहेगा, टोटल 18 वैकेंसी है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है 10 क्लास पास होना चाहिए। और उसके बाद आपका हाइट देखिए, मिनिमम हाइट 167, चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। और यहाँ पर पेमेंट आप देख सकते हैं, आपका पेमेंट साइंटिफिक असिस्टेंट भी ऑल का 200 मतलब लगेगा, और टेक्नीशियन भी ऑल का 100, ऊपर डिवीजन कलर का भी 100, ड्राइवर का भी 100 और सिक्योरिटी गार्ड का भी 100 लगेगा। यहाँ पर नीचे आते हैं, देखिए एज रिलैक्सेशन भी है, आप एज आपका जैसा है आप एज का भी छूट ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी का सब टोटल का सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। रिटेन एग्जामिनेशन में टोटल 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव मार्क्स एक मार्क्स का मतलब कटेगा एक गो में, और टाइम रहेगा 2 घंटा। टेक्नीशियन भी ऑल का देखिए स्टेज 1 प्रीलिम टेस्ट होगा, आपका क्वेश्चन मैथ साइंस जनरल अवेयरनेस से रहेगा, मैथ से 20, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर, और अब क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। टोटल मार्क्स 150, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा, 1 घंटा का एग्जाम होगा। वो स्टेज 2 भी होगा एडवांस टेस्ट, और ऊपर डिवीजन कलर का आपका देख लीजिए लेवल 1 और लेवल 2, ऑब्जेक्टिव और डिस्ट्रिक्टिव 2 होगा। आपका पैटर्न 1 में देखिए आपका जनरल इंग्लिश 25, जनरल अवेयरनेस 25 व जनरल इंटेलिजेंट 25, जनरल एप्टीट्यूड 25, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 मार्क्स रहेगा, 1 मार्क्स कटेगा, 3 नंबर रहेगा, 1 क्वेश्चन का 2 घंटा का टाइम दिया हो जाएगा। ड्राइवर का देखते हैं, ड्राइवर का आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। रिटेन एग्जामिनेशन में आप जो देख सकते हैं जनरल इंग्लिश या हिंदी दोनों रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, और ड्राइविंग के बारे में रहेगा आप बनाने में क्या जानते हैं। टोटल क्वेश्चन 100 रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, 2 घंटा का एग्जाम होगा। सिक्योरिटी गार्ड का देख लीजिए आप, यहाँ पर फिजिकल इवेंट होगा, फिजिकल इवेंट मेल ये सब का रनिंग देख लीजिए, 100 मीटर रन 16 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, 3 बार चांस मिलेगा। वाला मेल का वाला फीमेल का देख लीजिए, 100 मीटर रन 20 सेकंड में, लॉन्ग जंप 2.5 मीटर, 9 फीट होगा कुछ, 3 बार चांस दिया जाएगा। रिटन टेस्ट में आपका देख लीजिए कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 और एनालिटिकल बेसिक मैथमेटिक्स में 25 हुआ। और आपका एग्जाम सिटी देख लीजिए आप, एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ चॉइस कर सकते हैं, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, बेंगलोर, जम्मू, रांची, चेन्नई, जयपुर, तिरुवनंतपुरम हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, ऐसे ही बहुत ऐसा 12 16 टोटल शहर दिया हुआ, यहाँ पर आप एग्जाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप PDF को डाउनलोड कीजिए, यहाँ सरकारी रिजल्ट में हम बता दिए हैं, जैसे बताएं वैसे ही कीजिए। आप सरकारी रिजल्ट टाइप कीजिए, उसके बाद यहाँ नीचे में देखिए सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है,
यहाँ क्लिक कीजिए, क्योंकि हम फर्स्ट से बता दे रहे हैं, कोई कोई नए भी रहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में ही देखिए आपका AMD वेरियस पोस्ट ऑनलाइन, इसमें आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपका साइट यहाँ पर खुल जाएगा। खुलते ही देख लीजिए ये वाला फॉर्म है आपका। फॉर्म आप पूरा गौर से देखिए, पूरा जान लीजिए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कीजिए। पोस्ट भी आप देख सकते हैं, हर चीज़ दिया हुआ है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ओके मेरे दोस्त, थैंक्स।